पेइंग गेस्ट की भी एक प्रिवेसी होती है, क्या तुम में इतनी सी भी समझ नहीं है? वजह थी आंटी, वरना मैं यूं ही किसी के कमरे में नहीं घुसती। आप प्लीज मुझे अंकल से बात करने दीजिए ना। अंकल के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझसे बात करो ना तुम। आपको नहीं बता सकती, वरना तो मैं बता देती ना। रुना, रुना, मिठी बिल्कुल ठीक है, वो सो रही है। वैशाली से मेरा बात करना जरूरी है, प्लीज उसे यहाँ आने दो रुना। वैशाली को अभी जाना होगा, तुम जाओ, घर जाओ, और जब तक हम ना बुलाए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज मुझे अंकल से बात करने दीजिए। सुमन कह के गया था टू टेक केयर ऑफ यू, दैट्स व्हाई आई। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए, बेकार में यहाँ खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। अंकल आपको कॉल करूंगी, उठा लीजिएगा प्लीज। क्या? ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया रूना, किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं ये तुम कब समझोगी? खाना मैं बना लेता हूं आंटी, बल्कि आप मीठी के पास रहिए, मीठी को किसी और के भरोसे छोड़ना सही नहीं होगा। हाँ ठीक है, बल्कि तुम नीचे आकर देखो ऋषि, अब तुम्हारे कमरे में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। आपने जिस रेस्टोरेंट में आने को कहा था, डज इट हैव अ नेम? दीदी आपका ऑर्डर। कोई और भी आने वाला है, उनके आने के बाद करती हूँ। जरा देखो तो इतनी रात को कौन आया है। हाँ देख रहा हूं। अरे यहाँ अंदर आ जा, देखो अरुणा कौन आया है, देखो अरुणा, अरुणा देखो कौन आया है, देखो तो, ये देखो कौन आया है। माँ मीमू मीमू आ गया तू, मेरा प्यारा बच्चा मीमू। मीठी कहाँ है? अंदर है, देख जाकर तेरी बहन की क्या हालत हुई है, देख। जूते उतार कर जा। अच्छा किया अच्छा किया जो कमरे में ताला लगा कर गया। वो लड़का हमारे घर में पेइंग गेस्ट है, क्या उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं हम? हाँ